मैं आपके चेहरे पर खुशी देख रहा हूँ अमीरुल मोमिनीन। क्या आप लोग मुझे मुबारकबाद नहीं देंगे? भला किस बात की है अमीरुल मोमिनीन? मैंने रसूलुल्लाह के खानदान में शादी की है, उम्म कुलसूम बिनत अली को अपनी बीवी बनाकर। ये तो वाकई फख्र वाली बात है, आपने दो तरफा रिश्ता कायम किया है। सही कहा। क्या आप हमारी रात के खाने पर दावत नहीं करेंगे या अमीरुल मोमिनीन? बढ़िया और लजीज खाना, बढ़िया बेहतरीन और लजीज खाना, और वो नहीं जिसे खाकर आपने खुद को मुश्किलों में डाल लिया था। और हम तो ये कहा करते थे कि अल्लाह के फजल से अगर सूखा खत्म नहीं हुआ तो अमीरुल मोमिनीन भी नहीं बचेंगे। जाइए। बात सुनो, क्या आपने हमारे लिए अमीरुल मोमिनीन से इजाजत मांगी? तुमने बताया कि हम यहाँ इंतजार कर रहे हैं। क्यों नहीं बताऊंगा, आप इंतजार करें जब तक कि वो इजाजत नहीं दे देते। लेकिन ये इंसान जो अभी अंदर दाखिल हुआ हमसे बाद में आया था, और उससे पहले वाले के साथ भी यही हुआ। मैं वही करता हूँ जो अमीरुल मोमिनीन कहते हैं। सब्र खत्म होता जा रहा है, मैं बाहर जा रहा हूं। अगर कोई आना चाहता है तो मेरे साथ आ सकता है। मैंने ऐसा कभी नहीं देखा। वो उन्हें अंदर बुलाता है जो हमारे गुलाम हुआ करते थे। हमको दरवाजे पर इंतजार करने के लिए छोड़ रखा है। अस्तगफिरुल्लाह है अबू सुफियान, अपनी कमाई हुई नेकियों को ऐसे बर्बाद ना करो। उसके बाद जो अल्लाह ने हमें इस्लाम में इज्जत दी है, हमें तकब्बुर वाले जाहिलियत के दौर से निकाल कर। तुम अबू सुफियान कितनी बहादुरी से लड़े यरमुक की जंग में, भला शैतान को अपने ऊपर हावी ना होने दो। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। वल्लाही जो महसूस आपने किया वही मैंने भी किया, लेकिन मैंने उस शैतान की आवाज को अपने अंदर ही दबा दिया। जो हमारे गुलाम हुआ करते थे उन्होंने ये रुतबा कमाया है क्योंकि उन्होंने इस्लाम की खिदमत हमसे पहले शुरू की, और वाकई वो इस रुतबे के लायक है। अगर नाराज ही होना है तो हमें खुद से नाराज होना चाहिए। सभी लोगों को इस्लाम की दावत दी गई थी, वो लोग पहले चले गए और हम बाद में, तो भला सोचो कयामत के दिन क्या होगा जब उन्हें बुलाया जाएगा और हम पीछे रह जाएंगे। ये हम पर बाकी है। क्या बाकी है? बेहतर होगा कि मैं शाम जाऊं और अपने बेटे अबू जंदल की सोहबत हासिल करूं। शाम ही वो जगह है जहां जिहाद के लिए तैयार रहना चाहिए। हो सकता है कि अल्लाह मेरे बाद के दिनों को पहले के दिनों से बेहतर कर दे। आप इस बात पर गौर नहीं करेंगे अमीरुल मोमिनीन, आपने उनको शाम में फौज की सिपहसालारी से महरूम कर दिया। उन्होंने आपके हुक्म की तामील की और अबू बैदा के नीचे काम किया। अगर खालिद की जगह कोई और होता तो वो जरूर इसके लिए बगावत करता, जबकि इतना अच्छा काम करके अपने ओहदे से हटने के बाद किसी के भी दिल में शक व शुबा पैदा हो जाता। वही दमिश्क की जीत के असली हकदार हैं, और शाम के बाकी हिस्सों के भी वही हैं जिन्होंने किनिसरीन पर फतह हासिल की। अबू बैदा ने उन्हें वहां का अमीर बनाया और आपने कुछ भी नहीं कहा। हाँ, मैंने तब कहा था अल्लाह अबू सुलेमान पर रहम करे, वो खुद मुख्तार हो गए। उनके मजबूत इरादों की वजह से अबू बैदा ने उन्हें कुछ नहीं कहा, बल्कि सिर्फ उनकी तारीफ ही की। और अब आप उन्हें इस ओहदे से भी महरूम करना चाहते हैं। मुझे डर है कि आप उनके दिल में शक पैदा कर रहे हैं, और पूरे मखजूम कबीले के वो कहेंगे ये उमर ही है जो हमारे लोगों में कमियां ढूंढता रहता है। मैं वो नहीं हूं जो हर किसी में कमियां ढूंढता फिरे, बल्कि मैं अपने सभी अफसरान और अमीरों को हिकमत अमली के दायरे में रखना चाहता हूं। मेरे लिए सभी लोग बराबर हैं, मैं आप दोनों में भी कोई फर्क नहीं समझता। मैंने उन्हें और बाकी अफसरान को यही नसीहत दी है कि उनके पास जो भी माल है उसे वो ज़ईफ़
और जरूरतमंद लोगों में बांट दें। ये उन लोगों को नहीं मिलना चाहिए जो पहले से ही ताकतवर हैं। जब वो रोमियो के खिलाफ हुई जंग से वापस लौटे तब उन्होंने 10,000 का तोहफा अलशाद इब्ने कैस अल किंदी और उसके कुछ खास लोगों को दिया, जो कि मेरी नसीहत के बिल्कुल खिलाफ है। क्या उन्हें अबू बैदा से पहले बात नहीं करनी चाहिए थी, जिन पर पूरे शाम का जिम्मा है, या मुझसे बात करते? लेकिन वो खालिद है, उन्हें जो सही लगता है वही करते हैं। शायद उनके अपने कोई खास वजूहात हो। तो पहले मुझे बताने चाहिए थे, या तो मैं कबूल करता या नकार देता। मैंने अपनी हिकमत अमली पहले ही जाहिर कर दी थी जब मैंने ये ओहदा संभाला था। जो कोई भी मेरा अफसरान रहना चाहता है वो मेरी नसीहत माने वरना दूर रहे। आप क्यों फिक्र करते हैं अब सुलेमान? ये दुनिया हमारे लिए बस एक आजमाइश है, और ये आजमाइश तो उस आजमाइश के सामने कुछ भी नहीं। और हमारी नज़र में आपका रुतबा इससे कहीं ज़्यादा बड़ा है, और अल्लाह ने चाहा तो आपका रुतबा वहाँ और भी बड़ा होगा इंशाअल्लाह। और आने वाले वक्त में जब भी कभी शाम और इराक़ की फतेह की बात होगी तो उनमें सैफुल्लाह और उनके काम का जिक्र सबसे आगे होगा इंशाअल्लाह। और जो भी मुसलमान इन इलाकों में रहते हैं वो हमेशा आपके एहसान मंद रहेंगे। जैसा आपने कहा अबू उबैदा, जो कुछ भी अल्लाह का है वो यहाँ से ज़्यादा बेहतर है। मेरा अपना नज़रिया है और उमर का अपना, जबकि मैं यहाँ हूँ और वो यहाँ नहीं है, मगर वो अमीरुल मोमिनीन है। क्या आप हमारे साथ दमिश्क में नहीं रुकेंगे? अमीरुल मोमिनीन ने मुझे पूरे शाम का अमीर बनाया था, तब उनकी और मेरी रजामंदी थी कि मैं किसरीन रहूं। जब शाम के हालातों में तब्दीली आने लगी और हालात बेहतर हुए तो मुझे हटा दिया। सब्र रखें, हो सकता है कि ये कोई फितना है। अमीरुल मोमिनीन के रहते कभी ऐसा हो नहीं सकता ना। क्या वजह थी कि आपने खालिद इब्न अल वलीद को उनके ओहदे से हटा दिया? इसमें मेरी कोई निजी वजूहत नहीं थी ना कोई खयाना। आपने पहले भी उन्हें हटाया था और इस बार भी आपने ऐसा ही किया उन्हें हटाकर। बताइए भला क्या हासिल हुआ आपको? मैंने उन्हें ताकीद की थी कि सिर्फ कमजोर और जरूरतमंद लोगों की ही माशरे में मदद की जाए, बल्कि उन्होंने अमीरों का साथ दिया। वल्लाही मैं उनकी इज्जत करता हूँ और वो मेरे हबीब हैं, कोई भी मुझसे ज्यादा उनके लिए फिक्रमंद नहीं है। वल्लाही आपने ये ठीक नहीं किया उमर, आपने बनी मखज़ूम के एक इज्जतदार शख्स को हटा दिया जिन्हें खुद रसूल अल्लाह ने कमान सौंपी थी। आपने तो उनकी तलवार की धार ही खत्म कर दी, उसको मना किया जो चाहते थे रसूल अल्लाह, और बनु मखज़ूम के साथ अपने रिश्ते की बेहुरमती की है। इससे लोगों को पता चलेगा कि मेरी हिकमत अमली सभी के लिए बराबर है, और जहाँ तक मेरे खानदान के साथ रिश्ते का मामला है वो मेरा निजी मसला है जो कि रियासत के मसलों में नहीं आता। आप अमीरुल मोमिनीन पर ज्यादा ही सख्त हो रहे हैं नौजवान। रहने दो, ये अबू सुलेमान के करीबी हैं, नौजवान होने के नाते इनके भाई के लिए इनका गुस्सा जायज है। क्या ये आपके बादशाह की रियासत है? क्या मैंने आपको नहीं बताया कि वो बादशाह नहीं बल्कि अमीरुल मोमिनीन है, हमारे खलीफा। ये सब रसूल अल्लाह के सहाबा हैं और अमीरुल मोमिनीन के वजीर। कौन? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह।
मलिकुर रूम के सफीर हैं, कुस्तुनतुनिया के बादशाह की तरफ से अमन का पैगाम लेकर आए हैं और हमारे साथ अमन चाहते हैं। अमीरुल मोमिनीन और उनकी हिकमत अमली के बारे में कुछ जानना चाहते हैं। कहाँ है आपके हुक्मरान उमर, क्या मैं मिल सकता हूँ? क्या यही है? हाँ, यही है हमारे अमीरुल मोमिनीन। रूमी बादशाह के सफीर हैं या अमीरुल मोमिनीन, आपके लिए अमन और शांति का पैगाम लाए हैं। अल्लाहुम्मा इन्ना अंता सलाम व मिनका सलाम। बैठ जाओ यहाँ। जो कुछ भी मैं देख रहा हूं बताने के लिए अल्फाज नहीं हैं। मैं यहां देखने आया था कि जिन फौजों ने हमसे शाम छीन लिया वो यहां से आती हैं, लेकिन मेरी हैरत यकीन में बदल गई और जहालत इल्म में बदल गई। मैं सिर्फ अपने बारे में बात कर रहा हूं और अपना निजी नजरिया आपके सामने रख रहा हूं। इंसान हमेशा अपने लिए हिकमत ढूंढता है और अपनी ही ख्वाहिशों के हाथों मजबूर हो जाता है। अगर कोई अपने दोस्तों से कुछ ना सीख सका तो वो अपने दुश्मनों से बहुत कुछ सीख जाता है। सच है, एक इंसान जिसने इतने बड़े मुल्क की फौजों को शिकस्त दी, एक इंसान जो वाकई में इतना खौफनाक बादशाह है, वो इन हालातों में रहता है। लेकिन इसमें अचंभा कैसा? ऐसे भी बादशाह हैं जो नाइंसाफी करते हैं और तानाशाह हैं, और उन्हें नींद भी नहीं आती खौफ से, घबराहट से। और आप खलीफा, मैं आपको आपके नाम से बुलाऊं उमर? और आप उमर, इंसाफ पसंद, बेखौफ और सुकून से सोते हैं। आप लोगों को यहाँ आने की क्या जल्दी थी? हम तो दमिश्क में मिलने वाले थे, तब हम साथ शाम के बाकी इलाकों और शहरों का जायजा करते। आपका वहां जाना ठीक नहीं अमीरुल मोमिनीन, क्योंकि वहां बीमारी फैल चुकी है अमवा से फिलिस्तीन से लेकर मुल्क के सारे हिस्सों में, जिससे बहुत सी मौतें हो चुकी हैं। तब मेरे साथियों ने महसूस किया कि हम आपसे सार में मिलें और इस वबाई मर्ज के बारे में बताएं। अब यह हम आप पर छोड़ते हैं कि आप हमारे साथ आएंगे या वापस रसूल अल्लाह के मदीना लौटेंगे। मशवरा करें और फिर हमें बताएं। जहां तक मेरी बात है, मैं वापस जाऊंगा। जब आप अल्लाह की सना करते हैं और उससे सवाब हासिल करना चाहते हैं, ताकि कोई भी परेशानी आपको इसको हासिल करने से रोक सकती है। मुझे लगता है कि आपको वापस लौट जाना चाहिए अमीरुल मोमिनीन, जबकि ये बीमारी पूरी तरह फैल चुकी है। वहां जाना सही ना होगा जहां बीमारी पहले से ही फैल रही है, जब तक अल्लाह इसकी शिफा ना दे। हम वापस जाएंगे इंशाअल्लाह।
जो अल्लाह चाहता है वो नहीं करेंगे उमर? ये कहने वाले आप कौन होते हैं अबा उबैदा? हाँ, हम वहां नहीं जाएंगे अल्लाह ही के लिए। मान लो एक इंसान वादी में जाता है जहां दो इलाके हैं, एक जो पूरी तरह हरा भरा है और दूसरा बंजर। ये सच नहीं कि अगर वो अपनी भेड़ों को हरे भरे मैदान में लेकर जाता है तो ये अल्लाह की मर्जी है। आपने बिल्कुल सही कहा, मेरे पास इसका सबूत है। मैंने सुना है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए, अगर आपको किसी शहर में बीमारी फैलने का अंदेशा हो तो वहां ना जाओ, और अगर आप पहले से ही वहां हो तो फिर उससे बचने के लिए ना भागो। अल्हम्दुलिल्लाह, आपने हमारे शक को यकीन में बदल दिया, अब हमें चलना चाहिए। आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे अबा यजीद। उम्मीद करते हैं अल्लाह हमारे सारे गुनाहों को माफ कर देगा और इस बीमारी से शिफा देगा। जिंदगी होती ही मरने के लिए है। इस जिंदगी के बाद इससे बेहतर जिंदगी हमारा इंतजार कर रही है, उनकी सोहबत में जो इससे बेहतर है। अस्तग़फ़िरुल्लाह या अब्बा जी, अल्लाह हमें जन्नत में एक साथ मिलाए, मेरी अल्लाह से दुआ है। सब ठीक हो जाएगा, आप परेशान ना हो अबा जंदल, ये सब कुछ अल्लाह का है और अल्लाह के ही पास चला जाएगा। इन्ना लिल्लाह वो इन्ना इलाही राजिऊ। ये खत उमर की तरफ से है।
फरमाया, तुमने इन लोगों को निचले इलाकों में रख रखा है, उन्हें ऊंचे और हवादार इलाकों में ले जाओ। फवल्लाही, उन्होंने बिल्कुल सही कहा। मैंने भी कुछ समझदार यहूदियों को कहते सुना बैतुल मकदस में। इसके लिए अच्छे इंतजाम की जरूरत होगी। लोगों को पहाड़ों पर ले जाना, फिर उनके लिए वहां खाने पीने और सोने का इंतजाम करना। अगर अल्लाह मुझे जिंदगी देता है तो मैं जरूर ये काम करूंगा। क्या आपने गौर किया कि ये बड़े कमजोर हो चले हैं? ये खुद को बिल्कुल भी आराम नहीं देते। बीमारों से मिलते हैं और लोगों से बात करते हैं। अल्लाह करे वैसा ही हो जैसा आपने कहा है। इसे यहीं रख दो और घर जाओ, और जब तक मैं न कहूं वापस न लौटना। अल्लाह आपको सेहत अता करे। अल्लाह तू ही शिफा देने वाला है, तू ही है जो इसकी शिफा दे सकता है। अब तुम मेरी हालत देख चुके हो, मैं तुम्हें एक नसीहत देना चाहता हूं। अगर तुम मानो, आपकी सारी जिंदगी खैर से गुजरेगी। ज़कात दिया करो और नमाज पढ़ा करो, रोजे रखो, हज और उम्रा किया करो, एक दूसरे के साथ यकीन और मोहब्बत से रहो, अपने हुक्मरानों से ईमानदारी रखो और उन्हें कभी धोखा ना दो। इस दुनियाई ख्वाहिशात में मत खो जाना, चाहे किसी की उम्र हजार साल ही क्यों ना हो। उसे अल्लाह से जरूर मिलना है और मौत बरहक है, जैसा तुम देखते हो।
अल्लाह हमें और आपको सब्र दे। अबू उबैदा के बाद वो सबसे साफ दिल वाले थे, किसी के लिए अपने दिल में गलत ख्याल नहीं रखा, लोगों को नसीहत दिया करते थे, शफकत और दीनदारी में सबसे आगे थे। अल्लाह रहम करे। अम्र लास ने शाम में क्या किया जो उसे अमीर बना दिया? उन्होंने वो किया जो अबू बैदा ने करने को कहा। वो सारे लोगों को पहाड़ों पर ले गए, अल्लाह उन्हें इस बीमारी से निजात दिलाए। उनके लिए दुआ करो। देखो, अल्लाह की मदद के बाद हमने रोमियो को अलफरमा बिलबीस उम्मेदाने और बेबियोन के किले में शिकस्त दी। अब ये सारे इलाके हमारे कब्जे में आ गए हैं और हम जैसे जैसे आगे बढ़े मिस्र के लोगों ने हमारा साथ दिया। जिस भी शहर या कस्बे से हम गुजरे, हमने वहाँ के लोगों की जान माल, ज़मीन जायदाद, चर्च सलीफों की हिफाजत का करारनामा किया। जब उन्हें इल्म हुआ कि हम उनसे उनके दीन के मामले में कोई ज़बरदस्ती नहीं करेंगे, तो उन चीज़ों पर राजी हो गए जिनके साथ रोमियो पर राजी ना थे। कुछ ने हमारी रोमियो के खिलाफ मदद की, हमें उनके रास्तों, दुश्मन की कमजोरियों और किलों की निशानदेही की। जब अल्लाह ने हमें उनके सारे इलाकों पर फतह दी, तब उनका सबसे बड़ा शहर सिकंदरिया हमारे लिए खोल दिया गया। अब हम उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। मुसलमानों ने ऐसा शहर पहले कभी नहीं देखा। अल्लाह अम्र को खैर दे। वो कौल और तदबीर से जंग लड़ता है, जबकि दूसरे लोग तलवार से लड़ते हैं। उनकी जंगें शदीद नहीं होती दूसरों की जंगों की तरह, जहां ताकत और दहशत का माहौल बरपा होता है। जैसा हमने सुना, मिस्र के लोगों की रोमियों के खिलाफ काफी गहरी शिकायतें थीं। वो वाकई में उनसे छुटकारा पाना चाहते थे। सिर्फ रोमियो के पास ही मिस्र में असला था, वहाँ के लोगों के पास नहीं, और इसके लिए अम्र को सिर्फ रोम के लोगों पर ही ध्यान लगाना था। और शाम हारने के बाद तो रोमी पहले ही खौफजदा थे, तो भला फिर उन्हें मदद कहाँ से मिलती? आपकी बातों से लगता है अम्र ने कुछ किया ही नहीं। माजअल्लाह, हमारा अजीम फतह वो है जो दोनों तरफ से बिना खून बहाए मिल जाए। हमारा मकसद मुसलमानों से तबाही भरी जंगे कराना नहीं है, और ना ही दुश्मन को बुरी तरीके से मसलना। अगर हम इन तरीकों से जीतते हैं तो लोग खुद ब खुद इस्लाम में दाखिल होंगे। अगर हम जोर जबरदस्ती करेंगे तो हम उनका भरोसा नहीं जीत सकते। हम बस लोगों को इस्लाम की दावत देते हैं, ताकि ना सिर्फ उनकी दुनिया बल्कि दुनिया और आखिरत भी बन जाए। ये मेरे लिए बड़ी हैरत की बात है कि सिकंदरिया में दाखिल होने में आपको इतनी देर क्यों लग रही है, जबकि आपको मिस्र में रहते हुए 2 साल हो गए। कहीं इसकी वजह ये तो नहीं कि आपको भी दुनियावी ख्वाहिशात ने घेर लिया है? दुश्मनों की तरह अल्लाह ताला उन्हीं लोगों को फतेह देता है जिनके इरादे नेक हों। जब आपको मेरा ये खत मिल जाए, तब अपने लोगों से बात करो और जंग के लिए उनकी हौसला अफजाई करो, और सब्र और रिजाल दिखाओ। उन्हें बताओ कि हमें एक साथ मिलकर आगे बढ़ना है। इसे जुम्मे के दिन जोहर के वक्त से शुरू करो। इस बार अल्लाह ताला अपनी रहमत फरमाएगा और हमारी दुआओं का जवाब देगा। लोगों से कहो कि वो अल्लाह से दुआ में अपने लिए फतह मांगे।
हिकमत, ये हिकमत और दीन का शहर है। दिल और दिमाग, जिस्म और रूह, दीन और दुनिया, ये हमें पाबंद करते हैं कि हम इस अजीम शहर के अमानतदार रहें। अपनी अक्ल लगाओ और अपने दिलों से पूछ कर देखो। लोग कहते हैं कि मुकौकिस बूढ़ा हो चला है और उसके इरादे कमज़ोर हो चुके हैं, और मैं अब इस शहर की रखवाली नहीं कर सकता। ये ही नहीं, बल्कि कुछ लोग तो मुझ पर दीन से फिर जाने का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। ये ही नहीं, ये कहकर कि मैं मुसलमानों की हौसला अफजाई करता हूँ। जब मैंने उनके नबी के ख़त का जवाब दिया और उन्हें तोहफा भेजा, हाँ मैंने भेजा, लेकिन वो मुसलमानों की हौसला अफजाई के लिए नहीं, और ना ही अपने अकीदे में कमज़ोरी की वजह से, बल्कि ये उस हिकमत की वजह से जो मैंने उस शहर से सीखी है। मेरे दिल और रूह दोनों ने गवाही दी कि जिसने भी ये ख़त लिखा है, वल्लाही वो बड़ी निशानियां लेकर आया है, जिन पर वो ऐसे यकीन रखता है जैसे उनसे पहले वाले पैगंबर रखते थे। और कोई भी होशियार शख्स कैसे सोच सकता है कि सिकंदरिया उनकी हुकूमत से बाहर रहेगी। कुछ ही वक्त की बात है जब वो हमारे साहिल के इलाकों पर कब्ज़ा कर लेंगे, जिसका मतलब कि समुद्र के रास्ते मिलने वाली मदद बंद हो जाएगी। फिर हम कहाँ जाएंगे? हम कुस्तुनतुनिया से भी मदद की उम्मीद नहीं रख सकते। उन्होंने हमें हमारी तकदीर पर छोड़ दिया है। अब एक ही रास्ता बचा है, वो है सलामती के लिए सुलह, या फिर बाहर निकलो और जंग करो। या तो तुम उनको हलाक कर दोगे अगर कर सकते हो, या फिर वो तुमको हलाक कर देंगे। लेकिन अगर आप लोग ना जंग चाहते हो और ना सुलह, तो हम वैसे भी यहां मर ही जाएंगे। بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ضمانت عمرو بن العاص کی طرف سے مصر کے لوگوں کے لیے ہے۔ میں ضمانت دیتا ہوں کہ مصر کے لوگوں کی جان و مال، دین، صلیب، خشک علاقوں اور سمندر میں محفوظ رہیں گے۔ اس معاہدے کی ضمانت اللہ اور اس کے رسول کے ذمے، خلیفہ امیر المومنین کے ذمے اور سارے مومنین کے ذمے ہے۔ खड़े हो जाओ और लोगों को बताओ। मैं अम्र बिन अलास का सफीर हूं और अमीर उल मोमिनील के पास आया हूं। मैं खुशखबरी देना चाहता हूं कि अल्लाह ने हमें सिकंदरिया पर फतह दी है, यानी कि मिस्र अब मुसलमानों के मातहत है। शुरुआत से लेकर आखिर तक हमें अल्लाह का शुक्रगुजार रहना चाहिए।
आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे या अबा सुलेमान, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। जब उमर न रहेंगे अबू अलदरदा, आप वो देखोगे जो कबूल ना होगा। मुझे आपसे इत्तेफाक है, मेरी उनसे कुछ बातों में ना इत्तेफाकी थी, मगर जब मैंने अपनी बीमारी के दौरान इस बारे में सोचा और मैंने जाना कि उमर ने जो कुछ भी किया है वो अल्लाह के लिए ही किया है, जो भी मेरे साथ किया वो उन सभी के साथ किया जो पहले ईमान लाए थे। मेरी आधी जायदाद लेकर उसे बैतुल माल में जमा करा दिया, लेकिन ये उन्होंने उन पहले मुसलमानों के साथ भी किया जिन्होंने जंग बदर में हिस्सा लिया था। वो मुझ पर सख्त थे लेकिन दूसरों पर भी बराबर सख्त थे, और मैं सिर्फ खुद के लिए सोचता रहा। मेरा और उनका खानदानी रिश्ता था, मगर उन्होंने उस रिश्ते का भी ख्याल नहीं किया। उन्होंने किसी की परवाह नहीं की सिवाय अल्लाह के। उन्होंने मुझे हटाया, उन लोगों को भी हटाया जो मुझसे बेहतर थे, रसूल अल्लाह के खलेरे चचा साद इब्ने अबी वक्कास। इन बातों से मेरी सारी शिकायतें दूर हो गईं। हमारे सिर्फ नज़रिए में इख्तिलाफ था, और हर नज़रिए की अपनी वजाहत थी। अगर मैं ना रहूं तो अमीरुल मोमिनीन को बताना कि मैं उनके नाम अपनी वसीयत, अपनी जायदाद, अपनी बेटी और किए गए वादे देता हूं। उठाओ मुझे, उठाओ मुझे। मेरी शहादत के बाद कि अल्लाह एक है और उसका कोई शरीक नहीं, मेरा सबसे नेक काम था जब मैं शदीद सर्द रात में मुहाजिरीन के साथ जंग पर निकला। पूरे असले के साथ आसमान से बारिश हो रही थी और मैं सुबह का इंतजार कर रहा था कि मैं कुफ्फारों पर हमला कर सकूं। मैंने जिंदगी में इतनी जंगें लड़ी, मेरे जिस्म पर मुश्किल से एक खरोंच तक नहीं आई, ना ही कोई तलवार या कोई तीर या कोई नेजा मुझे छू सका। और आज मैं इस बिस्तर पर दम तोड़ रहा हूं जैसे कोई बूढ़ा ऊंट मर जाता है। अरे कायरो, कुछ तो शर्म करो। सुलेमान की मौत का सदमा हम सब पर तारी है। आपका हाल भी वैसे ही है जैसे एक शायर ने कहा, मेरे मरने के बाद मेरी जिंदगी पर मातम न करना, जब जीते जी तुमने मुझे मेरे हकूक से दूर रखा। मुझे उनकी मौत का अफसोस है, ये इस्लाम के लिए नाकाबिले तलाफी नुकसान है। वो वाकई अपने दुश्मनों पर बहुत सख्त थे, एक अच्छे किरदार के मालिक। अल्लाह सुलेमान पर अपनी रहमत रखे। जो कुछ भी अल्लाह ने उनके लिए सोचा है वो यहां से बेहतर है। उनकी मौत ने हमें महरूम कर दिया।
क्या काबिल तारीफ जिंदगी गुजारी। मैंने देखा है कि ये दुनिया किसी को नहीं बख्शती। अल्लाह अबू बकर पर रहम करे, अल्लाह अबू बकर पर रहम करे। वो लोगों का किरदार मुझसे बेहतर जानते थे। अमीरुल मोमिनीन घर पर नहीं है तो हम उनसे कहाँ मिल सकते हैं? कुफा से कुछ लोग आए हैं जिनसे मिलने वो मस्जिद गए हैं, वो वहीं मिलेंगे। उमर कहाँ है? चुप हो जाओ। इनके मुहाफिज और मुलाजिम कहाँ हैं? ना ही कोई मुहाफिज है, ना कोई मुलाजिम, और ना सरकारी दफ्तर। फिर तो इनको नबी होना चाहिए। नहीं, इनके अमाल अंबिया की तरह हैं। ये हरमुजान है, तुस्तुर और आवाज के अमीर। बड़ी मशक्कत और मेहनत के बाद हम इनको यहाँ पकड़ कर लाए हैं, जब तक अल्लाह ने तुस्तुर हमारे हवाले न किया। इन्होंने खुद को किले में बंद कर लिया था। जंग खत्म हुई तो इनके सिपाहियों ने खुद को हमारे हवाले कर दिया। जब हम किले के करीब पहुंचे तो किले और खंदक के बीच तंग जगह से ये उन पर तीर चलाया करते जो भी वहां पास पहुंच जाते। आपने अल बरा इब्ने मालिक और मजा इब्ने थौर की वफात की खबर सुनी होगी। अल्लाह उन पर रहम करे, इसने ही उन दोनों का कत्ल कर दिया और हम पर चिल्लाया, तुम्हारी और मेरी दोनों की हालत ठीक नहीं, मेरे पास सिर्फ 100 तीर हैं। वल्लाही तुम मुझ तक ना पहुंच पाओगे जब तक मेरे पास एक भी तीर बाकी है। फिर तुम क्या करोगे? जब मैं तुम्हारे इतने लोगों को मार दूंगा तो मुझे पकड़ के क्या करोगे? तो अब तुम क्या चाहते हो? मैं खुद को तुम्हारे हवाले कर दूंगा अगर तुम जमानत दो कि खलीफा मेरा फैसला करेंगे, फिर वो जो चाहे मेरे साथ करें। अभी आपके सामने है अमीरुल मोमिनीन, आप इससे बात करें और फिर इंसाफ करें। ना, जब तक नहीं जब तक इसने बादशाहों वाले कपड़े पहने हैं। या हुरमजान, गद्दारी का नतीजा और अल्लाह का फैसला देखकर तुम्हें क्या लगा? या उमर, इस्लाम से पहले हमने आपको शिकस्त दी थी तो फिर अल्लाह ना तुम्हारे साथ था ना हमारे साथ। जब वो तुम्हारे साथ था तो तुमने हरा दिया। तुमने जाहिलियत के दौर में हमें शिकस्त दी क्योंकि तुम सब लोग एक थे और हम फिरकों में बटे थे। आज तुम्हारे पास दोबारा गद्दारी करने का क्या सबब है? हर दफा अमन के बाद गद्दारी करते हो। तुमने खुद को कुछ अच्छे मुसलमानों और अस्हाब रसूलुल्लाह के हाथों मरने के लिए छोड़ दिया है। गद्दारी के बदले मौत है। मेरा गला सूख रहा है, क्या पानी मिलेगा? भला तुम्हारे हाथ क्यों इस तरीके से कांप रहे हैं?
खौफ से या अमीरुल मोमिनीन, जमानत दो कि जब तक मैं ये पानी ना पी लूं आप मुझे मारने का हुक्म नहीं देंगे। जब तक तुम ये पानी नहीं पीते तब तक इसे दूसरा बर्तन दो, ये प्यासा नहीं मरना चाहिए जब इसका कत्ल हो। मुझे पानी की जरूरत नहीं है, मैं बस तुमसे जमानत चाहता था। मैं तुम्हें मार दूंगा। आपने जमानत दी है, झूठ बोलते हो। ये सच कह रहा है अमीरुल मोमिनीन। आपने जमानत दी है? क्या बात करते हो अनस, इसने तुम्हारे भाई अलबरा और बाकी साहबाओं का कत्ल किया है। मैं अलबरा इब्ने मालिक और माजा के कातिल को जमानत दूंगा? ये हक की बात है अमीरुल मोमिनीन, बदले की नहीं। हाँ, आपने बताया कि ये तब तक महफूज है जब तक कि ये पानी नहीं पीता, और इसने नहीं पिया। अनस इब्ने मलिक ने सच कहा, तुमने मेरे साथ चाल चली। वल्लाह सिवाय मुसलमानों के मेरे साथ कोई चालबाजी नहीं कर सकता। वल्लाह मैं बहुत वक्त से इस्लाम में दाखिल होने की सोच रहा था। मैंने आपके सिपाही देखे अल-क़दीसिया, तुस्तुर और हर जगह। मुझे पता चला कि आपने हमें अपनी तादाद और फौज से नहीं हराया। वो खाली के मखलूक है जो चाहता है करवाता है, उसी ने आपको हम पर फतह बख्शी। लेकिन मेरा मेरे लोगों में एक बड़ा ओहदा था। मुझे याद है वो हमारे बेहतरीन दिन और कैसे हम आप पर गालिब थे, तो खुद को बदलना मेरे लिए आसान ना हुआ। जो कुछ भी मेरे लोगों के साथ हुआ उसने मुझे गुस्से और जुनून से भर दिया। तब मैंने आपसे लड़ने की सोची ताकि ना तो मैं या मेरे लोग मुझ पर इल्ज़ाम लगा सकें। और अब देखो मेरे पास खोने के लिए कुछ भी बाकी नहीं बचा। जो कुछ भी फारस में बाकी था वो तुस्तुर और नाहवात की जंग के बाद ख़त्म हो गया। मेरे लोग बड़ी तादाद में इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं और वो दिन दूर नहीं जब सभी लोग इसमें शामिल हो जाएंगे। जैसा कहा गया कि खुसरो का राज एकदम ख़त्म हो जाएगा मगर फारसी बचेंगे। हालांकि वो खुसरो वाले फारसी ना होंगे बल्कि वो इस्लाम वाले फारसी होंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे अरबी हैं। अरबी जाहिलियत और बुत परस्ती में मुब्तिला थे, लेकिन बुत परस्ती ख़त्म हुई और अरबी बाकी हैं और वो अब मुस्लिम अरब बन चुके हैं। तो मैं मुसलमान क्यों नहीं हो सकता, मैं भी बनूंगा। मैंने सही कहा? तुम यहां मदीना में ही रुकोगे और हम तुम्हें यहाँ रहने के लिए वजीफा देंगे, लेकिन वो इतना ना होगा जितने के तुम आदी हो। भला मुझे ज्यादा की जरूरत क्यों होगी जब उसकी जरूरत ही नहीं बची। अपने भाई को इस्लाम सिखाओ। ऐसा मैंने पहले कभी नहीं देखा जो आज देखा है। जिसके भाई को मैंने कत्ल किया वो मेरी जिंदगी बचाने की शहादत देता है, शायद इसीलिए इस्लाम सबसे ऊपर है। मैं खलीफतुल उमर से कहाँ मिल सकता हूँ? वहाँ मस्जिद में। ये शख्स तो मिस्र का मालूम होता है। यहाँ पर खलीफा कौन है? इतने दूर का सफर तय करके कैसे आना हुआ? गुजारिश करने खलीफा। तो फिर तुम बिल्कुल ठीक जगह आए हो, बैठ जाओ और बताओ मुझे। मिस्र में हम घुड़दौड़ करते थे, उस दौड़ में मेरा और मोहम्मद इब्ने अम्र इब्ने अलास का घोड़ा भी था। मिस्र के अमीर, जब मेरा घोड़ा जीता और लोगों ने इसकी शहादत दी, मोहम्मद इब्ने अम्र ने इस पर नाइत्तिफाकी दिखाई
वो खड़े हुए और अपनी छड़ी से मुझे मारा। ये मेरी तरफ से है शरीफ के बच्चे, अब मैं आपके पास इंसाफ की गुहार लेकर आया हूं, क्योंकि वो तो अमीर का बेटा है और मुझे डर है कि वो अपने बेटे की ही तरफदारी करेंगे। आप हाकिम हैं और आपका इंसाफ दुनिया जानती है। मैं आज भी रसूल अल्लाह के धिम्मे, आपके और मोमिनों के धिम्मे हूँ। यहीं रुको जब तक वो नहीं आते। ऐसा तुमने क्या किया कि अमीरुल मोमिनीन ने मुझे बुलाया है और तुम्हें भी साथ चलना है? क्या तुमने कुछ ऐसा किया जिससे मैं बेखबर हूं? नहीं। तो फिर उमर ने तुम्हारे लिए सम्मन क्यों लिखा? वो मिस्री कहाँ है? मैं यहाँ हूँ। लो जरा ये पकड़ो और इस शरीफ के बच्चे को मारो। मारो उसे, मारो, मारो इस शरीफ के बच्चे को। क्या तुम्हें इंसाफ मिला? हाँ, मुझे बिल्कुल मिला। तो फिर अब इसे अम्र के सिर पर मारो। वल्लाह इसने इसलिए तुम्हें मारा कि इसका बाप सुल्तान है। या अमीरुल मोमिनीन, मेरा हिसाब बराबर हो गया है। मैंने उसे मारा जिसने मुझे मारा था। इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। वल्लाह अगर तुम इन्हें मारते तो हम तुम्हें तब तक न रोकते जब तक तुम खुद न रुकते। या अम्र, तुम कैसे लोगों को गुलाम बना सकते हो जब उनकी माओं ने उन्हें आजाद पैदा किया है? आप मुझ पर बहुत सख्त थे अमीरुल मोमिनीन। आपको नहीं लगता कि इससे लोग अपने अमीरों के नाफरमाबरदार हो जाएंगे? अगर ये उसके लिए है जो हक है, तो ये वही है जो हम चाहते हैं। या अम्र, रियासत का मतलब ये नहीं होता कि आप अपने लोगों को डराएं, बल्कि उन्हें हिफाजत दें और इज्जत दें, उन्हें नाइंसाफी से बचाएं और ध्यान रखें कि कमज़ोरों पर कोई जुल्म ना कर सके और दाइफ महफूज हो जाएंगे। ध्यान रहे कि जालिम गरीबों का हक ना छीन सके। रियासत का काम उन्हें महफूज रखना है, ना कि उनकी बेहुरमती करना। तब वो अपने इंसाफ पसंद और आदिल अमीर का साथ देंगे, वरना हाकिम और हिकमत दोनों ही एक साथ तबाह हो जाएंगे।